महाभारत में इंटरेस्ट है या स्टोरी सुनना पसंद है ये वीडियो के लिए। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है प्राप्त अनुस्मृति विद्या और दिव्य दृष्टि के प्रभाव से युधिष्ठिर का महाभारत युद्ध में मारे गए लोगों की संख्या और गति का वर्णन तथा युधिष्ठिर की आज्ञा से सबका दाह संस्कार। इसमें आपको पता चलेगा कि युधिष्ठिर ने सारे औरत जाति को नारी जाति को क्यों श्राप दिया था। ठीक है, तो शुरू करते हैं। श्री भगवान बोले, गांधारी उठो उठो, शोक में मन को ना डुबाओ, तुम्हारे ही अपराध से कौरवों का विनाश हुआ है। तुम्हारा पुत्र दुर्योधन दुरात्मा दूसरों से ईर्ष्या एवं जलन रखने वाला और अत्यंत अभिमानी था। दुष्कर्म परायण निष्ठुर वैर का मूर्तिमान स्वरूप और बड़े बूढ़ों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला था। तुमने उसको अगवा बनाकर जो अपराध किया है उसे क्या तुम अच्छा समझती हो? अपने ही किए हुए दोष को यहाँ मुझ पर कैसे लादना चाहती हो? यदि कोई मनुष्य किसी मरे हुए संबंधी नष्ट हुई वस्तु अथवा बीती हुई बात के लिए शोक करता है तो वो एक दुख से दूसरे दुख का भागी होता है। तो पिछले वीडियो पे हमने जाना था कि गांधारी ने श्री कृष्ण को क्यों श्राप दिया था। ठीक है, तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक कीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाइएगा। नष्ट हुई वस्तु अथवा बीती हुई बात के लिए शोक करता है तो वह एक दुख से दूसरे दुख का भागी होता है। इस पर वह दो अनर्थों को प्राप्त होता है। ब्राह्मणी तप के लिए, गाय बोझ ढोने के लिए, घोड़ी बेग से दौड़ने के लिए, शूद्रा सेवा के लिए, वैश्य कन्या पशुपालन करने के लिए और तुम जैसी राजपुत्री युद्ध में लड़कर मरने के लिए पुत्र पैदा करती है। बिजनबन जी कहते हैं, जन्मजय श्री कृष्ण का दोबारा कहा हुआ ये अप्रिय वचन सुनकर गांधारी चुप हो गई। उसके नेत्र शोक से व्याकुल हो उठी। तो श्री कृष्ण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गांधारी ने श्राप दिया है। उस समय धर्मज्ञ राजर्षि धृतराष्ट्र ने अज्ञान से उत्पन्न होने वाले शोक और मोह को रोककर धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, पांडुनंदन तुम जीवित सैनिकों की संख्या के जानकार तो हो ही, यदि मेरे अहुआ की संख्या जानते हो तो मुझे बताओ। युधिष्ठिर बोले, राजन इस युद्ध में 1,66,20,000 योद्धा मारे गए हैं राजेंद्र। इनके अतिरिक्त 24,165 सैनिक लापता हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, पुरुष प्रवर महाबाहु युधिष्ठिर तुम तो मुझे सर्वज्ञ जान पड़ते हो, अतः ये तो बताओ कि वे मरे हुए सैनिक किस गति को प्राप्त हुए। युधिष्ठिर ने कहा, जिन लोगों ने इस महासमर में बड़े हर्ष और उत्साह के साथ अपने शरीर की आहुति दी है वे सत्य पराक्रम में भी देवराज इंद्र के समान लोकों में गए हैं। भारत जो अप्रसन्न मन से मरने का निश्चय करके रण क्षेत्र में जूझते हुए मारे गए हैं वे गंधर्वों के साथ जा मिले हैं। जो संग्राम भूमि में खड़े हो प्राणों की भीख मांगते हुए युद्ध से विमुख हो गए थे उनमें से जो लोग शस्त्र द्वारा मारे गए हैं वे गुहलोक में गए हैं। जिन महामनुष्य पुरुषों को शत्रुओं ने गिरा दिया था, जिनके पास युद्ध करने का कोई साधन नहीं रह गया था, जो शस्त्रहीन हो गए थे और उस अवस्था में भी लज्जाशील होने के कारण जो रणभूमि में निरंतर शत्रुओं का सामना करते हुए ही तीखे अस्त्र शस्त्र से कट गए वे क्षत्रिय धर्म परायण पुरुष ब्रह्मलोक में गए हैं। इस विषय में मेरा कोई दूसरा विचार नहीं है। राजन इनके सिवा जो लोग इस युद्ध की सीमा के भीतर रहकर जिस किसी भी प्रकार से मार डाले गए हैं वे उत्तर कुरु देश में जन्म धारण करेंगे। धृतराष्ट्र ने पूछा, बेटा किस ज्ञान बल से तुम इस तरह सिद्ध पुरुषों के समान सब कुछ प्रत्यक्ष देख रहे हो? महाबाहु यदि मेरे सुनने योग्य हो तो मुझे बताओ। युधिष्ठिर बोले, महाराज पहले आपकी आज्ञा से जब मैं वन में विचरता था उन्हीं दिनों तीर्थयात्रा के प्रसंग से मुझे एक महात्मा का इस रूप में अनुग्रह प्राप्त हुआ। तो वन पर्व में जो तीर्थयात्रा है उसके बारे में बात कर रहा है जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है। तीर्थयात्रा के समय देवर्षि लोमस का दर्शन हुआ था, उन्हीं से मैंने ये अनुस्मृति विद्या प्राप्त की थी। इसके सिवा पूर्व काल में ज्ञान योग के प्रभाव से मुझे दिव्य दृष्टि भी प्राप्त हो गई थी। धृतराष्ट्र ने पूछा, भारत यहाँ जो अनाथ और सनाथ योद्धा मरे पड़े हैं क्या तुम उनके शरीर का विधिपूर्वक दाह संस्कार करा दोगे? जिनका कोई संस्कार करने वाला नहीं है तथा जो अग्निहोत्री नहीं है उनका भी प्रेत कर्म तो करना ही होगा। ताद यहाँ तो बहुओं के अनिष्टि कर्म करने हैं, हम किसका करें? युधिष्ठिर जिनके लाशों का गरुड़ और
गीत इधर उधर घसीट रहे हैं उन्हें तो श्राद्ध कर्म से ही शुभ लोग प्राप्त होंगे। विषम पंजी कहते हैं, महाराज राजा धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने सुधर्मा धौम्य सारथी संजय परम बुद्धिमान विदुर कुरुवंशी युस्तु और इंद्रसेन आदि सेवकों और संपूर्ण सुतों को यह आज्ञा दे दी कि आप लोग इन सब के प्रेत कार्य संपन्न करें यानी अंतिम संस्कार कराएं, ऐसा ना हो कि कोई भी लाश अनाथ के समान नष्ट हो जाए। धर्मराज के आदेश से विदुर जी सारथी संजय सुधर्मा धौम्य इंद्रसेन आदि ने चंदन और अगर की लकड़ी काली यज्ञ घी तेल सुगंधित पदार्थ और बहुमूल्य रेशमी वस्त्र आदि वस्तु एकत्र की, लकड़ियों का संग्रह किया, टूटे हुए रथों तथा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को भी एकत्र कर लिया, फिर उन सबके द्वारा प्रयत्न पूर्वक कई चिताएं बनाकर जेठे छोटे के क्रम से सभी राजाओं का शास्त्रीय विधि के अनुसार उन्होंने शांत भाव से दाह संस्कार संपन्न कराया। राजा दुर्योधन, उनके 99 महारथी भाई राजा शल्य भूरिशव, राजा जयद्रथ, अभिमन्यु दुशासन पुत्र लक्ष्मण, राजा दृष्टिकेतु, बृहंत सोमदत्त शोसे भी अधिक संजय वीर, राजा खेमधंता विराट, द्रुपद शिखंडी, पांचाल देश द्रुपद पुत्र दृष्टिदुम्य, युधामनु, पराक्रमी उत्तमजा, कौशलराज बृहदल, द्रौपदी के पांचों पुत्र सुबल पुत्र शकुनी, अचल विषक, राजा भगदत्त पुत्र सहित अमरशील वैकर्तन कर्ण, महाधनुधर पांचों कैके राजकुमार, महारथी त्रिगत, राक्षस राज घटोत्कच, बक के भाई राक्षस प्रबर अलम्बुस, राजा जलसंद, इनका तथा अन्य बहुत सहस्त्र भूपालों का घी की धारा से प्रज्वलित हुई अग्नियों द्वारा उन लोगों ने दाह कर्म कराया। किन्हीं महामनस्वी वीरों के लिए श्राद्ध कर्म भी आरंभ कर दिए गए। कुछ लोगों ने वहाँ समगान किया और कितने ही मनुष्यों ने वहाँ मरे हुए विभिन्न जनों के लिए महान शोक प्रकट किया। सामवेदीय मंत्रों और ऋचाओं के घोष और स्त्रियों के रोने की आवाज़ से वहाँ रात में सभी प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ। उस समय स्वल्प धर्मयुक्त प्रज्वलित तथा जलाई जाती हुई चिता की अग्नियाँ आकाश में सूक्ष्म बादलों से ढके हुए ग्रहों के समान दिखाई देती थी। इसके बाद वहाँ अनेक देशों से आए हुए जो अनाथ लोग मारे गए उन सबकी लाशों को मंगवा कर उनके शस्त्र ढेर लगवाए, फिर घी तेल में भिगे हुई बहुत सी लकड़ियाँ द्वारा स्थिर चित्त वाले लोगों से चिता बनाकर उन सबको विदुर जी ने राजा की आज्ञा के अनुसार दग्ध करवा दिया। इस प्रकार उन सबका दाह कर्म कराकर कुरुराज युधिष्ठिर धृतराष्ट्र को आगे करके गंगा जी की ओर चले गए। नेक्स्ट चैप्टर, सभी स्त्री पुरुषों का अपने मरे हुए संबंधियों की जलांजलि देना, कुंती का अपने गर्भ से कर्ण के जन्म होने का रहस्य प्रकट करना और युधिष्ठिर का कर्ण के लिए शोक प्रकट करते हुए उनका प्रेत कृत्य संपन्न करना और स्त्रीय के मन में रहस्य की बात ना छिपने का श्राप देना। भीष्म जी कहते हैं, राजन वे युधिष्ठिर आदि सब लोग कल्याणमयी पुण्य सलीला अनेक जलकुंडों से सुशोभित स्वच्छ विशाल रूपधारिणी तथा तट प्रदेश से, उसके बाद एक चित्र है, महान बल वाली गंगा जी ने गंगा जी के तट पर आकर अपने सारे आभूषण दुपट्टे और पगड़ी आदि उतार डाले और पिताओं भाइयों पुत्र पौत्र सज्जनों आर्य वीरों के लिए जलांजलि प्रदान की। अत्यंत दुख से रोती हुई कुरुकुल की सभी स्त्रियों ने भी अपने पिता आदि के साथ साथ पतियों के लिए जल अर्पण किए। धर्मज्ञ पुरुषों ने अपने हितैषी सुहृदों के लिए भी जलांजलि देने का कार्य संपन्न किया। वीरों की पत्नियों द्वारा जब उन वीरों के लिए जलांजलि दी जा रही थी उस समय गंगा जी के जल में उतरने के लिए बड़ा सुंदर मार्ग बन गया और गंगा का पाट अधिक चौड़ा हो गया। महासागर के समान विशाल वो गंगा तट आनंद और उत्सव से शून्य होकर भी उन वीर पत्नियों से व्याप्त होने के कारण बड़ी शोभा पाने लगा। महाराज तदनंतर कुंती देवी सहसा शोक से कातर हो रोती हुई मंद वाणी में अपने पुत्रों से बोली, पांडवों जो महाधनुर वीर युद्धपतियों का भी युद्धपति तथा वीरोचित शुभ लक्षणों से संपन्न था, जिसे युद्ध में अर्जुन ने परास्त किया है तथा जिसे तुम लोग सूत पुत्र एवं राधा पुत्र के रूप में मानते जानते हो, जो सेना के मध्यभाग में भगवान सूर्य के समान प्रकाशित होता था, जिसने पहले सेवकों से ही तुम सब लोगों का अच्छी तरह सामना किया था, जो दुर्योधन की सारी सेना को अपने पीछे खींचता हुआ बड़ी शोभा पाता था, बल और पराक्रम में जिसकी समानता
सम्राट करने वाला भूतल पर दूसरा कोई राजा नहीं है जिस सूरवीर ने अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी भूमंडल में सदा यश का ही उपार्जन किया है। संग्राम में कभी पीठ न दिखाने वाले और अनायास ही महान कर्म करने वाले अपने उस सत्यप्रति के भाता कर्ण के लिए भी तुम लोग जल दान करो। वो तुम लोगों का बड़ा भाई था, भगवान सूर्य के अंश से वो वीर मेरे ही गर्भ से उत्पन्न हुआ था। जन्म के साथ ही उस सूरवीर के शरीर में कवच और कुंडल शोभा पाते थे, वो सूर्यदेव के समान ही तेजस्वी था। तो दोस्तों, इंसान कैसा भी हो, मरने के बाद वो अच्छा हो ही जाता है। ये आज का नियम नहीं है, ये बहुत पहले का ही नियम है। तो मरने के बाद कर्ण अच्छा बन गया, ठीक है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि सब कुछ कर्ण, उसके बाद टीवी सीरियल में भी कर्ण को अच्छा ही दिखाया जाता था, क्योंकि मरने के बाद तो अच्छा हो ही जाता है। माता का ये अप्रिय वचन सुनकर समस्त पांडव कर्ण के लिए ही बारंबार शोक करते हुए अत्यंत कष्ट में पड़ गए। तदनंतर पुरुष सिंह वीर कुंती पुत्र युधिष्ठिर सर्प के समान लंबी सांस खींचते हुए अपनी माता से बोले, माँ, जो बड़े बड़े महारथियों को डुबा देने के लिए अत्यंत गहरे जलाशय के समान थे, पानी जिसकी लहर ध्वजा भंवर बड़ी बड़ी भुजाएं महान ग्रह और हथेली का शब्द ही गंभीर गर्जन था, जिनके बाणों के गिरने की सीमा में आकर अर्जुन के सिवा दूसरा कोई वीर नहीं टिक सकता था, वे सूर्य कुमार तेजस्वी कर्ण पूर्व काल में आपके पुत्र कैसे हुए, जिनकी भुजाओं के प्रताप से हम सब और से संतप्त रहते थे, कपड़े में ढकी हुई आग के समान उन्हें अब तक अपने कैसे छिपा रखा था। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने सदा उन्हीं के बाहुबल का भरोसा कर रखा था, जैसे कि हम लोगों ने गांडीवधारी अर्जुन के बल का आश्रय लिया था। कुंती पुत्र, कर्ण के सिवा दूसरा कोई रथी ऐसा बड़ा बलवान नहीं हुआ है जिसने समस्त राजाओं की सेना को रोक दिया हो। वे समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण क्या सचमुच हमारे बड़े भाई थे? आपने पहले उन अद्भुत पराक्रमी वीर को कैसे उत्पन्न किया था? अहो, आपने इस गूढ़ रहस्य को छिपाकर हम लोगों को मार डाला। कर्ण की मृत्यु से भाइयों से ही हमें बड़ी पीड़ा हो रही है। अभिमन्यु द्रौपदी के पुत्र पांचलों के विनाश से तथा कुरुकुल के इस पतन से हमें जितना दुख हुआ था, उससे 100 गुना दुख इस समय मुझे अत्यंत व्यथित कर रहा है। अब तो मैं केवल कर्ण के ही शोक में डूब गया हूँ और इस तरह जल जल रहा हूँ, मानो मुझे किसी ने जलती आग में रख दिया हो। यदि पहले ही ये बात मुझे मालूम हो गई होती तो कर्ण को पाकर हमारे लिए इस जगत में कोई स्वर्गीय वस्तु भी अलभ्य नहीं होती तथा कुरुकुल का अंत कर देने वाले ये घोर संग्राम भी नहीं हुआ होता। राजन, इस प्रकार बहुत विलाप करके धर्मराज युधिष्ठिर फूट फूट कर रोने लगे। रोते रोते उन्होंने धीरे धीरे कर्ण के लिए जलदान किया। ये सब सुनकर वहाँ एकत्र हुई सारी स्त्रियाँ, जो वहाँ जलांजलि देने के लिए सब और खड़ी थी, सहसा जोर जोर से रोने लगी। तदनंतर बुद्धिमान कुरुराज युधिष्ठिर ने भाई के प्रेम से कर्ण की स्त्रियों को परिवार सहित बुलवा लिया और उन सब के साथ रहकर उन धर्मात्मा बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर ने विधिपूर्वक कर्ण का प्रेतकृत्य संपन्न किया। तदनंतर वे बोले, मुझ पापी ने इस रहस्य को ना जानने के कारण अपने बड़े भाई को मरवा दिया, अतः आज से स्त्रिया के मन में कोई भी गुप्त रहस्य नहीं छिपा रह सकेगा। ऐसा कहकर बैकुल इंद्र वाले राजा युधिष्ठिर गंगा जी के जल से निकले और समस्त भाइयों के साथ तट पर आए। तो इसी के साथ ये पर्व कंप्लीट होता है, स्त्री पर्व, उसके बाद शांति पर्व।